आ गई हूँ मैं आज आप लोग के लिए लेके फिर से एक नई रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में। और आप लोगों को तो देखकर पता ही चल रहा होगा कि ये आलू का चोखा है, लेकिन ये एक नए तरीके से मैंने बनाया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 उबले आलू ले लिए हैं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक चॉप्ड कर लिए हैं, यहाँ 1 मिर्च को काट लिया है और 1-2 इंच का अदरक को भी काट लिया है और 3 से 4 जो लहसुन ले लिया। मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है। अब मैं उसमें थोड़ा सा करीब 2 चम्मच के करीब ऑयल लूँगी। ऑयल जब गरम हो जाए तो उसमें मैं 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 सूखा मिर्च, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक फ्लेवर आता है इसमें। यहाँ मेरा फ़ौरन जल चुका है तो अब मैं इसमें जो हम लोगों ने काट कर रखा था लहसुन, अदरक और मिर्च को इसमें डाल देंगे और थोड़ा 1 से 2 बार इसको हम लोग मतलब चला देंगे। जब ये थोड़ा सा मतलब हल्का लाल हो जाए तो फिर अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो हम लोगों ने काट कर रखा था प्याज, उसको हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि इसको हम लोग को ज़्यादा नहीं भूनना है, लहसुन और अदरक को, क्योंकि इसको ज़्यादा भून देने से फिर ये प्याज के साथ भी भून आएगा तो फिर ये इसका टेस्ट मतलब थोड़ा जला जैसा आने लगेगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, 1 से 2 बार हम लोग को चलाना है, उसके बाद हम लोग प्याज ऐड कर दें। अब देखिए हम लोग इसको प्याज के साथ भून रहे हैं। हम लोग प्याज को ऐसे ही 3 से 4 बार चलाएँगे, हम लोग इसमें मीडियम फ्लेम में इसको चलाएंगे। इसको हम लोग करीब इतना देर तक चलाना है कि बस प्याज थोड़ा लाल हो जाए, जले नहीं। अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के साथ ही हम इसमें मिक्स्ड किया हुआ जो मैं 3 आलू रखी थी उसको मैं साइड में मिक्स्ड कर ली। अब उसको अच्छे से मिक्स्ड करना है। मिक्स्ड करके इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे हम लोग को करीब 6 से 7 मिनट तक अच्छे से चलाना है जिससे कि अच्छे से आलू पूरा भुना जाए। मेरा आलू एकदम अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से मतलब कि भुंजा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा रेड रेड जैसा हो गया। अगर आपके पास अवेलेबल है धनिया का पत्ता तो आप इसमें गार्निश कर दे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। और अब हमारी ये चोखे की रेसिपी, भुना हुआ चोखे की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो कभी भी आप लोग ट्राई करिए, दाल भात चोखा कहते हैं ना, दाल भात चोखा कभी नहीं होगा धोखा, उसी तरह से आप लोग कभी ट्राई करिए दाल भात चोखा और मेरी रेसिपी को भी ट्राई करिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये इसका टेस्ट कैसा लगे। खास करके हम लोग में गाँव के तरफ बहुत बनता है ये वाला। जब भी हम लोग चोखा बनाते तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाला बना दिए, नहीं, हम लोग इसको भूंज के ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरी सारी रेसिपी आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।